तिवारीपुर थाने की पुलिस ने अवैध असलाह के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक की पहचान अरविंद यादव पुत्र रामधानी यादव निवासी गुनगुन कोठा थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया कि पकड़े गए युवक के ऊपर तिवारीपुर थाने के गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर तिवारीपुर पुलिस ने युवक को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसे संबंध में धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया। कोठा में एक व्यक्ति को गोली सीने पर लगा करके तमंचा फायर किया, लेकिन संयोग से मिस कर गया। उसकी हत्या करने की नियत थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें से एक अभियुक्त अरविंद यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसकी ही निशानदेही पर एक तमंचा और मिस कारतूस और इसके अलावा और कारतूस बरामद हुए हैं और शीघ्र ही दूसरे अभियुक्त की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसके द्वारा कब घटना की? ये कल सायंकाल को घटना हुई थी और आज जेल भेजा जा रहा है। सर, किस संबंध में लोगों में विवाद चल रहा है? अब ये गांव का प्रकरण है और गांव में आपस में कोई विवाद नहीं है। लड़कों लड़के हैं, किसी बात को लेकर के आपस में कहा सुनी तनाव चल रहा था। उसी को दृष्टिगत डराने धमकाने की नियत से, जान से मार देने की नियत से काम किया है और उसके खिलाफ 307 का अभियोग पंजीकृत है, जेल जा रहा है।